पीपल, तो आज हम देने जा रहे हैं मटन रेसिपी। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट मेरे पति हर वीकेंड पे रात को अपने लिए मटन बनाते हैं या चिकन। और आज की रेसिपी देंगे शेफ मोंगा मोंगा मोंगा। सबसे पहले मटन बनाएंगे इस ग्राउंडनट मूंगफली के तेल में। वाओ, टू ब्रदर्स का। टू ब्रदर्स का मूंगफली का तेल पहले डालिए। तो प्याज जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे भूनना शुरू हो गए हैं। गोल्डन ब्राउन से इसको गोल्डन ब्राउन करने तक भूनना है। और आज ये बना दो मटन रहे, किचन की हालत आपने पहले ही देख ली होगी, तो कमेंट मत करना और जज मत करना। तो जब तक प्याज ब्राउन होते हैं हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची इनको ग्राइंड कर लेते हैं। इसके अंदर पानी डालते हैं थोड़ा सा। हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें वो पेस्ट डालेंगे जो हमने जिंजर गार्लिक और किसकी बनाई थी, हरी मिर्चों की। फिर डालने के बाद इसको हम 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। भून भून के ही मटन बनेगा और गलेगा और सब में बटेगा। तो फिर मटन का स्पेशल मसाला बनाने के लिए हमने थोड़ा तेज पत्ता लिया है, ये बारीक करे गरम कर दिए हैं जिसमें खड़े मसाले बैठ चुके हैं। मसाले बैठ गए हैं, सॉरी गाइस। अब इनको हमने क्या करना है, इनको भूनना है, ठीक है। रेसिपी आपको मैं पूरी देके रहूंगी। इनको भून लीजिए एक साइड पे रख के, कोई तेल नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सिर्फ हल्की आंच पे इनको भूनना है। पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मटन। खड़े मसाले हमने भुने हुए थे, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। तो हमने मटन भूनने के लिए रखा था, उसके भूनने के बाद हमने उसमें डाला है कलर के लिए लाल मिर्ची और देगी मिर्ची। और देखिए अच्छा कलर आ गया है। बस हल्दी भी डाल लीजिए यार, हल्दी मसाला। इसमें वो पेस्ट डाल दिए जो हमने खड़े मसालों की बनाई थी। और हाँ, वो पेस्ट बनाने से पहले उसमें थोड़ा पानी डाल लें। थोड़ा पानी डाल के इसको मटन को पकाएं। अभी सीटी नहीं लगवानी, अभी सिर्फ पानी डाल के इसको अच्छे से पकाएं। साइड पे हम धनिया टमाटर और ये क्या है, धनिया टमाटर और दही की पेस्ट बनाएंगे जी। हमने इसमें वो पेस्ट डाल दी है जो हमने बनाई थी, धनिया की, टमाटर की और दही की। वो पेस्ट इसलिए इसमें डाली जाती है ताकि मटन की ग्रेवी थिक बने, और थिक ग्रेवी से ही मटन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्या, मैंने तो कभी खाया नहीं। डालने के बाद हम फाइनली इसमें जो हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी वो डालने के बाद हम इसमें फाइनली डालेंगे मीट मसाला। ओनली एंड ओनली MDH का मीट मसाला, क्योंकि MDH हमारे दादी का ब्रांड है। और अब नमक डालेंगे। मैं इसमें आप गरम करके पानी डाल दीजिए, पानी जितना आपको डालना है, जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, पर पानी को गरम करके डालना है। अब इसको लगेगी 5 सीटियां। अभी इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, बनने के बाद दिखाएंगे कैसा बनता है। मटन हमारा बनके रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा बना है, दिखने में तो इतना स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।